जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सैफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत से एक बार फिर भाजपा सरकार आ चुकी है। मैं इमरान सैफी उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश को, जो 5 सालों में उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास किया है। आज में जो पब्लिक है, जो हमारी देवतुल्य उत्तर प्रदेश के नागरिक है, उनको बताना चाहूँगा कि योगी सरकार एक बार फिर जो सत्ता में आई है उसका क्या कारण है। और आज हमने योगी बाबा को विकास बाबा नाम दिया है, क्योंकि 5 सालों में जो योगी बाबा ने जो काम किया है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और 2022 में आज के बाद जो विकास होने वाला है उत्तर प्रदेश को, एक नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वादा किया है, और अब विकास चहुमुखी विकास होगा, तो उसी के लिए हम 5 सालों के जो रिपोर्ट कार्ड है अगर हम उन पर बात करते हैं, तो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश को 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी गई है, 8 एयरपोर्ट संचालित है और 13 एयरपोर्ट एवं 7 हवाई पट्टियों का निर्माण किया गया है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश को एक जाल बुनने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, मेरठ रैपिड रेल और कानपुर रैपिड रेल जैसे प्रोजेक्टों की सौगात दी गई है। अगर हम सड़कों की बात करते हैं, जिसमें 14,471 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है, 3,49,247 किलोमीटर सड़कों के गड्ढे मुक्त किया गया है, 15,286 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया है और 124 लॉन्ग ब्रिज, 54 रेल ब्रिज का भी निर्माण किया है, 110 महानगरों को जैसे नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, नोएडा और आपके नोएडा को सबसे बड़ी एशिया की फिल्म सिटी की सौगात दी गई है। दोस्तों, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य प्रकार के रोडों का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, अलीगढ़ में इंडस्ट्री डेवलपमेंट किया गया है, और अब 2022 में जो सत्ता 2 बार रिपीट हुई है और दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, और जो उनका प्लान है, मास्टर प्लान है, वो अब पिटारा खोला जाएगा और उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट के अंदर जिस तरह से आप अमेरिका या अन्य आप राज्य में जाते हो, विदेशों में जाते हो, देखते हो अनेकों प्रकार के वहाँ डेवलपमेंट होते हैं, इसी प्रकार आप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद आप विकास देखोगे। अब 2022 में जो
उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी की, मुख्यमंत्री जी की जो मास्टर प्लान है, अनेकों प्रकार के सभी जिलों को स्मार्ट सिटी में तब्दील कर दिया जाएगा और 81 हाईवों का निर्माण किया जाएगा। अन्य प्रकार के जो प्रपोस्ट प्रोजेक्ट है उनकी योजना तैयार की जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश को बेहतरीन डेवलपमेंट करने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। उसी प्रकार अन्य प्रकार के एक्सप्रेसवे हर जिलों को, मेडिकल कॉलेज और वेयर हाउस और इंडस्ट्री डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलपमेंट लगाया जाएगा, जिससे हमारे देश की जो बेरोजगारी है, जो उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार युवा है उनको नौकरी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो सिस्टम है, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था मिले और अनेकों प्रकार के यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे किसी प्रकार का भी सिस्टम हो, उसको डेवलपमेंट किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार आ चुकी है, इसी प्रकार डेवलपमेंट होता रहेगा और आगे भी होता रहेगा। उसकी रिपोर्ट हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे क्या क्या हमारे उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट होता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।